आर्टिकल्स वे शब्द होते हैं जो संज्ञाओं के आगे लगाए जाते हैं। आर्टिकल्स कॉमन नाउन के आगे लगाए जाते हैं और इन्हें डिटरमाइनर एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। इसे निश्चित संज्ञाओं के साथ जिनको हम जानते हैं उनको उनके आगे लगाए जाते हैं और अनिश्चित ऐसी संज्ञाएं के आगे लगाया जाता है जो अनिश्चित होती हैं। इसके अंतर्गत द का प्रयोग होता है और इसमें ए और एन का। अनिश्चित ए और एन का शाब्दिक अर्थ एक होता है, इसका कोई शाब्दिक द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। ए का प्रयोग अनिश्चित नाउन के आगे प्रयोग किया जाता है। पहला, उन संख्या शब्दों के आगे लगता है जो व्यंजन जो कि अंग्रेजी में 21 होते हैं उन अक्षरों से शुरू होते हैं अगर कोई नाउन, और उनका उच्चारण उस व्यंजन जैसा होता है तो उनके आगे ए का प्रयोग होता है। जैसे ए टेबल, ए चेयर, ए बॉय, ए गर्ल, ए लॉयन, ए टाइगर। ये वे शब्द हैं जो सभी के शब्द व्यंजन से शुरू हैं और व्यंजन जैसा ही इनका उच्चारण है। दूसरा, उन संज्ञा शब्दों के आगे लगता है जो स्वर अक्षर से शुरू होते हैं किंतु उनका उच्चारण व्यंजन जैसा होता है। जैसे ए यूनिवर्सिटी, ए यूरोपियन, ए यूनिट, ए यूनियन, ए वन रूपी नोट। ये वे शब्द हैं जो सभी के सब स्वर से शुरू हैं लेकिन इनका उच्चारण व्यंजन जैसा है, इसलिए इनके आगे भी ए का प्रयोग होता है। तीसरा, उन संख्याओं के आगे लगता है जिनके पूर्व विशेषण के साथ साथ कोई व्यंजन हो और उसका उच्चारण भी व्यंजन के जैसा हो। जैसे ए ब्लैक ऑक्स, तो यहां पे इसको लेंगे ये ब्लैक बाघ, इसलिए ए लग रहा है। यहां पे भी इसकी न देखे इसमें जो 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 विशेषण लगा हुआ है उसके अनुसार इसको लगाएंगे। अब ये करें ओके। दूसरा, एन का प्रयोग पहला उन संज्ञा शब्दों के आगे लगाए जाते हैं जो स्वर अक्षर से शुरू होते हैं और उनका उच्चारण भी स्वर जैसा होता है। जैसे एन एग, एन एप्पल, एन इंकपॉट, एन अम्ब्रेला। इन सभी अक्षरों में शब्दों में ये सब स्वर से चालू है, इनका उच्चारण भी स्वर जैसा है। दूसरा, उन संज्ञा शब्दों के आगे जो व्यंजन अक्षर से शुरू होते हैं और उनका उच्चारण स्वर जैसा होता है। जैसे एन आवर, एन ऑनेस्ट, एन आवर एंड एन ऑनेस्ट। तीसरा, उन संक्षिप्त शब्दों के पूर्व जो कंसोनेंट से शुरू होते हैं अर्थात व्यंजन से शुरू होते हैं और उनको उच्चारण स्वर जैसा होता है। जैसे एन एम ए, एन एम एल ए, एन एस डी एम, एन एन सी सी। ये सारे के सारे उच्चारण जो हो रहा है स्वर अक्षर से हो रहा है, इसलिए इनके आगे भी एन का प्रयोग होगा। बोलू द शब्द का प्रयोग काउंटेबल, अनकाउंटेबल सभी नाउन्स के साथ, सभी प्लूरल नाउन्स के साथ उपयोग किया जाता है। इसके साथ खास या ज्ञात लोगों के पूर्व इनका उपयोग किया जाता है। इसका उच्चारण नाउन फ्रेज के साथ भी उपयोग किया जाता है। जब
इन नाउनों का उच्चारण अगर व्यंजन शब्दों के साथ में होता है जो निश्चित हैं ऐसे शब्द, और उनके आगे अगर व्यंजन शब्द का उच्चारण हो रहा है तो इसमें हम इसको दा बोलते हैं। लेकिन अगर इन्हीं संज्ञा शब्दों में अगर विस्वर से चालू होते हैं वो शब्द तो उनको हम उस समय हम इसको दी उच्चारण करते हैं। दा का प्रयोग जो निश्चित नाउंस होते हैं उनके साथ उपयोग किया जाता है। पहली बार अगर किसी संज्ञा का प्रयोग होता है और वो अननोन है, नहीं जानते, अनिश्चित है, तो उनके आगे ए या एन का प्रयोग होता है। लेकिन जब दूसरी बार उसी चीज वस्तु के बारे में, उसी संज्ञा के बारे में अगर बात होती है, वो दोहराई जाती है, तो उसके आगे दा का प्रयोग होता है। जैसे आई सॉ ए बॉय, द बॉय वॉज हैंडसम। इसके अलावा कभी कभार अगर जब ऐसे वस्तु का बात होती है जो अभिन्न अज्ञात हो तो उसके आगे पहले ए और एन का प्रयोग होता है। लेकिन अगर उसमें फिर से बात अगर उसी के बारे में हो रहा है और ऐसा आभास होता है कि उसी के बारे में बात हो रही है, उसका नाम नहीं आया है, तब भी दा का प्रयोग होगा। दूसरा, जब एक वचन संज्ञा पूरे समुदाय के बारे में अगर बात करती है होती है तो उसमें दा का प्रयोग होता है। जैसे द रोज स्मेल्स स्वीट, द काउ इज नोबल एनिमल। इसमें ये जो रोज है या काव है, ये पूरे के पूरे समुदाय के बारे में बात कर रहा है, इसके इनके आगे दा का प्रयोग हुआ है। तीसरा, सभी सुपरलेटिव डिग्री, जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रीज हैं उनके आगे दा का प्रयोग होता है। द लॉन्गेस्ट, द टॉलेस्ट, द बेस्ट और भी आदि आदि। चौथा, सभी भौगोलिक शब्दों के साथ, सभी धार्मिक शब्दों के साथ, चुनिंदा पुस्तकें हो, क्रमवाचक संज्ञाएं हो, जैसे कार्डिनल्स है द फिफ्थ, द थर्ड, द सेवेंथ, उनके साथ भी उपयोग होता है। वाद्य यंत्र जितने भी हैं, चाहे तबला, द तबला, दैन, फ्लूट आदि, इनके साथ भी उपयोग होता है दा का। सभी न्यूज़पेपर, दुनिया में एक ही अनोखी वस्तुएं हैं या चीजें हैं, उनके आगे भी इसका उपयोग होता है, दा का उपयोग होता है। द ताजमहल, दत्ता, लाल किला आदि आदि संज्ञाओं के आगे भी दा का प्रयोग होता है जो इस सूत्र के अनुसार चलते हैं। नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, इनके आगे भी दा का प्रयोग होता है। जैसे द बे ऑफ बंगाल, द किंगडम ऑफ अशोका, इनके आगे भी दा का प्रयोग होता है। अब इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे भी हैं आर्टिकल्स जिनमें ऐसी संज्ञाएं होती हैं जिनमें आर्टिकल्स का उपयोग नहीं होता है। और जैसे कोई भी आर्टिकल्स ए एन और इनका प्रयोग नहीं होता है। सभी प्लूरल नाउन्स, जितने भी बहुवचन संज्ञाएं होती हैं उनके आगे दा का प्रयोग नहीं होता, आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। सभी प्रॉपर नाउन्स के आगे दा इनका प्रयोग नहीं होता है। सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे भी इनका प्रयोग नहीं होता है। सभी मटेरियल नाउन्स के आगे भी इनका प्रयोग नहीं होता है।